हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया होने चाहिए। हम सब भी बढ़िया है। हम सभी को लेना आए हैं। देखो दीपी का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। देखो दीपी का क्या हाल हो रहा है। यहाँ बैठी है, ये डर रही है, बाईपास पे वाहन देख देख के कांप रही है। अब वानी की मीटिंग है जी, वानी की मीटिंग में चलते हैं। और सुबह ही सुबह लोग बाग ऐसा टूट के पड़े हैं खाने पे। देखो ओहो ओहो, चौधरी साहब क्या है नाम इनका, मटर पनीर मार रही है लड़की। ये लड़की जिसे मैं पूरी रात जगाया। अरे एक देखो ये क्या है, मेरे मुंह में छाले हैं। पनीर देख तो इसके छाले सही हो गए। मेरी माँ मैं और डॉक्टर साहब और साधना आ गए हैं अब लेने इसका रिजल्ट। साधना गई है अंदर लेने। डॉक्टर साहब पीछे देख रहे हैं अपने स्कूल को, पुरानी याद ताज़ा कर रहे हैं। कई साल गुजारे इन्होंने। कितने साल पढ़ी मुक्ता भैया? 12 साल पढ़ी है। सारी पढ़ाई इसने यहीं से ही करी है। मैं और मुक्ता बैठे इंतजार कर रहे हैं, हर्षू की ट्रेन आने वाली है। और इसकी मम्मू वहाँ पर पता नहीं कितनी देर लगा रही है। बहुत देर पहले गई। हाँ अब तीसरा फ़ोन करा हमने तो कह रही एक मैडम मिल गई थी, उनसे बात कर रही हूँ मैं। भैया आ जा भैया आ जा, हर्षू की ट्रेन आने वाली है। और अभी तक तो चमकी ना, पता नहीं कितनी सहेली इसने इस स्कूल में बना ली। निकल के नहीं दे रही, सारी दुनिया निकल गई और हमें गाड़ी भी आगे लिया। हाँ पता नहीं कैसे बना ले भाई इतनी सहेली यहाँ पर। लो जी हमारे झोटे का रिजल्ट भी दिखा है, मुक्ता पढ़ रही है और भगवान की दया से पास हो गई है। बर्दाश्त कर, तो हम इसे बर्दाश्त ही कर रहे हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है और हम पे अभी टाइम भी है। हर शुक्र ट्रेन 11:30 तक पहुँचेगी, हमें जाके स्टेशन पे बैठना ही है। हमारे यादव जी भी आ गए हैं जी, मिल सकते हैं। अरे मैडम है कि अरे हमारा डॉक्टर छोटा सा कछुआ जहाँ करा दे कुछ ऐसे। अब हमारी बस 2 सवारी बची हैं, 2 सवारी दोपहर के बाद तक आ लेंगे, फिर होली सेलिब्रेशन के लिए हम सब तैयार, फिर काटेंगे मस्ती 3 दिन। आज का तो दिन खैर जाने वाला 2 दिन। तो गुंजिया बना, आज हम बनावेंगे घर जाके गुंजिया मिलजुल के। थोड़ी हेल्प आप कर दियो, थोड़ी सी हम बनाएंगे। बाकी हम हर्षो को बीच वैसे लेके आए हैं, ये गुंजिया एक्सपर्ट आ रहा है हमारा, इसने एमटेक वगैरह सब कर लिए तो गुंजिया। हाँ तो गुंजिया तो सिखाई होगी भाई, एमटेक कर रहा है ऐसे थोड़ी ना, वैसे एमटेक होगी। इतने बड़े कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो गुंजिया ना सिखाई होगी तो फिर फायदा क्या। तो आज हर्षो भी और छवि भी देखो कितनी बड़ी जगह से पढ़ रही है, डॉक्टर साहब डॉक्टरी कर रहे हैं, तो मतलब सब बढ़िया तरीके से गुंजिया बनने वाली है आज। चलो चल के बनाते हैं और आपको भी भगवान जी के दर्शन करवाता हूँ कालीपलटन के।
गुंजिया बनने की तैयारी शुरू हो गई। ये रहा घी गरम, ये हैं मखाने, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू भी ला रही है मम्मू जी अभी। अब ये सारे मम्मू जी इसमें पहले भुनेंगी इन अच्छे से, उसके बाद इन्हें शायद पीसेंगी पीसेंगी और उसके बाद हम बनाएंगे गुंजिया। चलो देखते कौन क्या कर रहा है। युवानी भी कुछ ताल लगा रही है अपने खाने पीने की कि भून के मुझे दे देना, शायद सब सुन रहा है, कोई बात नहीं। पापा जी आराम फरमा रहे हैं, तीन दिन छुट्टियों का मजा लेते हुए। ये माजी है हमारी, माजी ने हमारी माजी के दांत देखो सब, वो पीछे इग्नोर कर देना, वो सोतड़ी पड़ी है। ये आपको तीन दिन ऐसी देखने को मिलेगी, नहीं सब कुछ हुआ नहीं है, ये ऐसी है। अब तो फेमस हो जाएगी ये। नित्या बैठी है, मखाने हो गए, अब मम्मू जी ने भून दिया, मम्मू जी ने निकाल लेंगी, फिर मम्मू जी पीसेंगी और फिर बनेगी गुंजिया। तू पीछे पीछे घूमे हर जगह, बर्तन कर दे, चल वानी फिर पकड़ी गई मखाने चुराती हुई। हाँ जी, अब मम्मू जी क्या पीस लिया आपने? बादाम पीस चुके हैं, काजू भी पीस चुके हैं, अब मम्मू जी इसमें मखाने पीसेंगे, अभी और बादाम पीसेंगे। अच्छा ये रखा है हमारा मावा, चलो भाई। ये सारे मखाने भुन चुके हैं, हमारा टारगेट है 100 गुंजिया बनाने का, सदा से ज्यादा मखाने चमक रहे हैं, 100 इन्होंने मिनिमम लगाया है। और ये अब सूजी भुन रही है, ये मखाना कैसा आ गया इसमें एक? अभी सूजी इतना भुनेगी, अच्छा गैस चल रही है, ये ठंडा नहीं गया इतना देखते हैं। और कच्ची रही बर्तन करने लगी, पापा जी अब भी लेट ही रहे हैं। नित्या अब गिप्पी इंतजार कर रही है, वानी का एक आधा मखाना गिरा है और गिप्पी फट से खा जा, पर वानी भी गिरन नहीं रहा, बदतमीज है, तीन बार खा चुकी लेके, दो बार क्यों? अरे छवि पीछे बहुत गंदा मुंह में ला के पड़ी है, बहुत तेजी से मुझे अपने मखाने भूल रही है, बस इतने ही होते हैं, इतने में भूल जाते हैं। अबे इसमें मम्मू जी ने जितना कुछ भूनना है वो सब है, मावा है, ये सूजी है, ये सब मिलेगा, उसके बाद ये अंदर की फिलिंग तैयार हो जाएगी गुंजिया की, और उसके बाद हम बनाएंगे, बनानी शुरू करेंगे गुंजिया। पानी नहीं इकट्ठे कर लिए बहुत सारे चकला बेलन जिससे सब जल्दी जल्दी बना पावे। चलो अब इन दोनों को थोड़ा करण देते हैं। अच्छा जी, इस वाले चमचे से इसे इसमें पलटेंगी पोनी से, मानी कपड़ा बिछा रही है बैठने के लिए, और पापा जी लेट रहे हैं। पापा जी लेट ही रहे हैं, कह रहे मैं गुंजिया बनवाऊंगा पर लेट ही रहे। मसाला तो बना लेंगे, अभी बनवा रहा हूँ। तो फिर बनाओगे क्या? अभी मसाला भी करो, अभी मम्मू जी ने बूरा और जितना भी सामान पीसा है वो अब इसमें साथ में मावा सूजी सब कुछ मिलाएंगी, और उसके बाद उसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे। अच्छा इसका तो आटा बनेगा, तो आटा कहाँ का बनेगा? सॉरी लैक ऑफ एजुकेशन। अब ये चल रहा है, सब बैठने लगे हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। ओहो पापा जी साहब भी लेट रहे हैं। अरे एक छवि है वो सो रही है, ये गुस्सा हो गया, आपको लग रहा होगा हाथी है पर नहीं, वो हमारी बहन वानी है, देख सकते हो ये हाथी जैसा पैर है इसके पर नहीं, लौटना पड़ेगा इधर से दिख रही है। हाँ 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 ऐसा लग रहा है इसकी जो नाक है ना वो हाथी जैसी चौड़ी है, देख सकते हो। क्या बोलते हैं हम इससे, बस इतना पूछ रहे थे तेरे मार्क्स कितना है, तो ये गुस्सा हो गई कहीं मुझे नहीं पता, अब आप बताओ इसमें हमारी क्या गलती। गुंजिया का आटा मंडन लगी, ये डल रहा है मैदा में तेल, वाह भाई वाह बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। बैठ गए जी हम सिंहासन पे, अब हम बनाएंगे गुंजिया, और ये हमारी टीम लगी हुई है, मुक्ता जी, नित्यानंद जी, जी हमारी और अब दिखाता हूँ मैं पागलों की तरीके से घुमा रहा यार, ऐसे में तो बन जा रहा है। सीख जमा नहीं क्या मैं इसे तो? ओ मिसी जी आता ये और माई निट्टी काका और डॉक्टर साहब, पापा जी उठ चुके हैं।
और मेरी छवि और अब मैं जिसे दिखाने वाला हूँ अगली क्लास में पहुंच चुकी है तो लड़की सरप्राइजिंग चेहरा स्मार्ट गर्ल मेरा स्मार्ट गर्ल मेरी और ये बना रही है जी गुंजिया। मैं भी आने वाला हूँ अभी गुंजिया बनवाने के लिए। मैं भी ले आऊं तुम बस। और ये हमारे दादा जी उपड़ा एक उपड़ा दिलोगर दिलोगर। मम्मू जी गुंजे तल रही हैं। ये हमारा राजमा बन रहा है। इतनी गुंजे तली जा चुकी हैं। माँ जी ना चावल साफ कर रहे हैं क्योंकि चाची जी अभी घर पर नहीं है और हम बहन अभी लगी रहे। अब बस इतना सा आटा रह रहा है, ये इतना सारा अंदर भरने का रह रहा है। अब समझ नहीं पा रहे हम करेगा तुम्हारे हाथ पाओ किसी चीज में जान नहीं। अब आई छवि ने अभी उठाया छकड़ा जब से बैठी है अब बेलन लगी है। और ये हमारी छोटी सी गिप्पू हमारी गुंजिया बन गई जी। गुंजिया बनने के बाद में एकदम से फोन आया, मौसा जी की तबीयत खराब हो गई टूटी के पापा की, तो फिर हम तुरंत से भाग के गए बुलंदशहर। मौसा जी को देखा है अस्पताल में एडमिट है अभी और डायलिसिस चल रही है उनकी, तो उस समय जो दिखा नहीं पाया बाकी क्या बन गई है। और अब भारत में निशा भी आ गया है सारे के सारे हम घर ही हैं। मैं दिखाता हूँ गुंजिया। ओहो भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे किसी बारात में खवाने हो। ये मनु भाई आ गए हैं। यस प्रणाम स्वीकार है। ये भगत जी आएंगे हमारे, भगत जी का प्रणाम स्वीकार करो। पापे बैठे हैं, मम्मी जी हैं और ये देखो ये दो दिन पहले ये दांत लगे हैं देखो, और अभी से मम्मी जी आइसक्रीम उधेड़ रही हैं। हेलो